कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के कायम मुकाम मेयर अरशद वोहरा का फेरियर हाल में सातकैन के फनकारों की नकाब कुशाई के मौके पर कहना था कि सातकैन आर्ट गैलरी में 1700 ईस्वी के फन पारे मौजूद हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ा सरमाया है। सातकैन आर्ट गैलरी में सातकैन फाउंडेशन के तआवुन से आर्ट और फन पारों से नई नस्ल को रूशनास कराया जा सकेगा। हमें अपनी आने वाली नस्लों को ये बताना है कि ये वो हीरोज थे हमारे जिन्होंने अपने फन से अपनी दुनिया में नाम किया, ना सिर्फ बल्कि वो नई, जिसको कहते हैं ना, एक नई चीज़ वो लेकर आए थे पेंटिंग की दुनिया में, कैलीग्राफी में कह लें। तो इन चीज़ों को याद रखना और इन चीज़ों की कंटिन्यूशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि हमने मैंने अभी ऑलरेडी कह भी दिया है, ना सिर्फ कहा है बल्कि पहले से हमारा इस पर चल रहा था सिलसिला, हमारी कई मीटिंग्स भी हुई हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए एक प्रॉपर एकेडमी का कायम किया जाए जिसमें के लोग आएं ट्रेनिंग करें। इस सिलसिले में सातकैन फाउंडेशन के सदर सलमान अहमद ने कहा कि सातकैन के फन पारों को दुनिया भर में सराहा जाता है और इस सिलसिले में फेरियर हाल सातकैन आर्ट गैलरी में मुस्तकिल बुनियादों पर काम किया जा रहा है। सातकैन ने अपना काम चानी दुनिया में बांटकर चले गए, तो हमारा काम यह है कि यानी काविश है कि ढूंढने कहाँ कहाँ उनका काम है, फिर उसको प्रिजर्व करें अपनी किताबों में। जो सातकैन फाउंडेशन 16 किताबें अब तक पब्लिश कर चुकी है और भी हैं इन पाइपलाइन। अब अगले 2 महीने में 3 किताबें आने वाली हैं सातकैन साहब पर, यानी अगले तो 16 और फिर 3, ये 19 हो जाएंगी। अरशद वोहरा का कहना था कि बल्दिया उज़्मा कराची शहर में सफाई सुथराई समेत फन और सकाफत पर भी खुसूसी तवज्जो दे रही है, जिनमें सातकैन आर्ट गैलरी और लाइब्रेरी में रखी जाने वाली किताबों को दुरुस्त हालत में रखने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। नदीम सिद्दीकी, मेट्रो वन न्यूज़।